देखो पिछले 1 महीने से इंस्टाग्राम ने जो है कि अपनी जो रीच है वो जो है कि बहुत ही बहुत कम कर दिया है। चाहे वो जो है कितने ही बड़े क्रिएटर हो, चाहे वो छोटे क्रिएटर हो, सबकी जो है कि पोस्ट पे जो है ना रीच बहुत कम आ रही है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मतलब स्टोरी पे हो या फिर जो है कि पोस्ट पे हो ना, सब पे जो है कि रीच जो है कि कम आ रही है। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो है कि रीच कम आ रही है, उसको कैसे फिक्स करेंगे, इस वीडियो में जो कि मैं आपको बताऊंगा। अब देखो वीडियो जो है कि बहुत ही लेट मैंने जो है कि बनाया इस वीडियो, इस टॉपिक पे वीडियो जो है कि बहुत सारे बन चुके हैं यूट्यूब पे। अब देखो लेट बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि मैं जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, यानी कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए कि अगर आपको जानना है कैसे इसको फिक्स करने और कैसे जो कि रीज़न और क्या रीज़न है जो है कि इससे कि रीच कम आ रही है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। हेलो कैसे हेलो जिसे हम वेलकम टू करिश्मा मार्केटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो कि जो इंस्टाग्राम की रीच है वो जो पिछले 1 महीने से बहुत बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है। ठीक है, चाहे वो पोस्ट हो जाए कि आपका सिंगल पोस्ट हो या फिर कैरोसेल हो या फिर जो है कि आपका स्टोरी हो या फिर आदि टीवी हो, ऐसा क्या रीज़न है जिससे जो है कि रीच कम आ रही है, पहले हम रीज़न के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखो रीज़न ये है, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आपका रील्स का आना। अब देखो रील्स के आने से जो है क्या हुआ है कि जो इंस्टाग्राम के जितने भी जो है कि फीचर थे, मतलब वो पोस्ट वाले हो या पोस्ट करते हो या फिर स्टोरी या फिर आदि टीवी है ना, सबकी रीच जो है कि कम हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इंस्टाग्राम जो है ना, टिकटॉक का बैन होने के बाद इंडिया में जो है कि उसने जो है रील्स को लॉन्च किया। ठीक है, तो रील्स को लॉन्च किया तो वो चाहता है कि जो भी यूजर्स है टिकटॉक पे या फिर अदर जो है कि जितने भी मीडिया में जितने भी ऐप्स थे, छोटे छोटे जितने भी ऐप्स थे, उन सभी यूजर को जो है कि रील्स पे लाना चाहता है। ठीक है, तो वो जो है कि रील्स को इन्हेंस करना चाहता है। वो मेनली जो है कि उसका लाने का मतलब इंडिया में ही था, क्योंकि इंडिया में यूजर बेस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसने जो है कि रील्स पे जो है कि सभी लोगों को प्रमोट कर रहा है कि ताकि जो है कि वो रील्स को यूज़ करें। ठीक है, तो देखो अब वो कैसे प्रमोट कर रहा है इसके बारे में जो है कि हम जानते हैं। अब देखो पहले जब आप जो है ना एक्सप्लोर पेज ओपन कर रहे थे जो है कि इंस्टाग्राम का, तो आपको सबसे टॉप पे जो है कि आपको पोस्ट दिखता था। ठीक है, लेकिन या फिर जो है कि आईजी टीवी दिखता था, लेकिन अब जो है ना सबसे टॉप पे जो है कि रील्स का रील्स दिखता है। ठीक है, तो वो जो है ना रील्स को क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो जो है कि चाहता है कि आप रील्स से इंगेज हो और रील्स ही यूज़ करो। ठीक है, तो वो जो है कि इनहेंस कर रहा है पूरी जो है कि ओपनली जो है कि मतलब जो है कि एक्सप्लोर पेज पे। ठीक है, अब देखो सेकंड तरीका वो क्या कर रहा है, वो जो है कि अब देखो कुछ अभी जो है कुछ लोगों के मैंने देखा था जो है कि जो सर्च का जो बटन है ना, जिसमें हम लोग सर्च कर रहे थे पहले, उस बटन पे जो है कि वो रील्स का जो है कि आइकन दे रहा है ना, मतलब रील्स का जो है बटन दे रहा है वहाँ पे, मतलब डायरेक्ट वहाँ से रील्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, क्लिक करके। अब देखो कितना ओपनली जो है कि रील्स का वो प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जो कोई भी चीज़ मार्केट में नया आता है तो उसको जो है ना कोई भी, चाहे वो मतलब इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि कोई भी जो है कि आप ले लो या फिर किसी भी जगह मार्केट का आप ले लो, है ना, वो हर कोई भी चीज़ नया आता है तो उसको जो है कि कोई भी कंपनी उसको प्रमोट करती है। तो वैसे ही रील्स नया आया है तो उसको इंस्टाग्राम चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो रील्स का यूज़ करें। अब जैसे ही जो है कि रील्स ज़्यादा लोग यूज़ करने लगेंगे, मतलब बड़े से बड़े क्रिएटर जो है कि अगर रील्स यूज़ करने लगेंगे, तो फिर बाद में जो है कि रील्स के वो रीच जो है कि जैसे पहले मतलब बाकी जो पोस्ट रीच वगैरह जो आती है वैसे कर देगा, मतलब नॉर्मल कर देगा। ठीक है, इतना नहीं करेगा जैसा अभी है। तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो रील्स को, तो आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अब देखो मैं इसका जो लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब देखो मैं भी जो है ना रील्स यूज़ नहीं करता था, लेकिन जो है कि मैं मतलब पहले नॉर्मली जो है ऐसे मतलब बिना मन के ही मैं ऐसे ही मतलब रील्स डाल दिया था जब अपडेट नहीं आया था, तो उसमें जो है ना कुछ रील्स जो है कि मेरा जो है कि मतलब कुछ ज़्यादा व्यूज़ आए थे। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि इसके 6 व्यूज आए हैं, लेकिन मैंने इसमें जो है कि कुछ ज़्यादा हैशटैग यूज़ नहीं किए हैं, बस ऐसे नॉर्मल जो है कि मैंने रील्स डाला था। ठीक है, तो आप जो है कि देख सकते हो मतलब कितना जो है कि हमारे मेरा अकाउंट नया है, फिर भी जो है कि 6 व्यूज़ आए हैं ना, हालांकि जो पोस्ट है उसमें उसकी जो रीच होती है वो 300 से 400 जाती है, लेकिन जो रील्स है उसकी 6 आई है। ठीक है ना, अब ये 600 इससे भी ज़्यादा आ सकती है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें हैशटैग वगैरह सही से यूज़ किया होता तो इसके व्यूज़ है वो जो कि अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं भी जो है कि अब कंटेंट इस पर जो कि बनाना जो कि स्टार्ट कर दिया हूँ रील्स का, जो है कि मैंने जो कि 1 महीना कंटेंट जो कि बना करके मैं जो कि अब डालना जो कि स्टार्ट करूँगा रील्स भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। ठीक है, तो अगर आपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पर जो है जो भी अपडेट होती है इंस्टाग्राम की या फिर जो भी ट्रिक्स होती है और टिप्स होती है मैं आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो देखिए मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है ना रील्स यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी नया प्रोडक्ट आता है ना मार्केट में, तो हर कंपनी चाहता है कि उस प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। ठीक है, अब देखो जो है कि आपको रील्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको बता भी दिया लाइव एग्जांपल कैसे हुई कि आप मतलब अभी मैंने कुछ नहीं किया तब भी जो कि 6 सभी आए हैं, अभी मेरा अकाउंट नया है फिर भी। तो देखो जो अगर आपका अकाउंट पुराना है और जो कि आप रील्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट लॉस कर रहे हो। ठीक है, अभी आप यूज़ कर लो, क्योंकि बाद में इतना जो है कि आपको इन्हेंस नहीं मिलेगा रील्स का। ठीक है ना, अब जो कि क्रिएटर कम है तो आप जो यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फैशन, अगर आपका नीच फैशन का है, ब्यूटी का है ना, या फिर जो फिटनेस का है, या फिर जो कुछ भी मार्केटिंग का है ना, किसी फील्ड का भी आपका नीच हो, आप जो रील्स डालना स्टार्ट कर दो, उस पर रीच बहुत अच्छी आ रही है, उससे व्यूज़ बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो कि यूट्यूब भी जो है नहीं अपना जो है कि यूट्यूब शॉर्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसमें जो कि 15 सेकंड का वीडियो जो कि आप बना सकते हो, उसके बारे में जो कि मैंने वीडियो बनाया था कैसे यूट्यूब शॉर्ट यूज़ करने हैं, मुझे वो फीचर मिला है तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं या फिर आई कार्ड में लगा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना, तो देखो वो भी यूट्यूब क्या करेगा, वो यूट्यूब शॉर्ट जब लॉन्च किया है तो उसको भी वो इन्हेंस करेगा, प्रमोट करेगा, यानी कि जो यूट्यूब की जो लॉन्ग वीडियो होती है उससे ज़्यादा रीच जो है कि उसको देगा ना, मतलब यूट्यूब शॉर्ट को देगा। ठीक है,
तो ऐसे जगह की मतलब जो भी नया आता है ना अपडेट, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे यूट्यूब, चाहे फेसबुक, कुछ भी सोशल मीडिया हो, सब जगह के नए अपडेट को जगह वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मतलब कुछ भी नया आता है तो उसको जगह इन्हेंस करते हैं ताकि ऑडियंस उसका यूज़ करें, ठीक है। तो इसलिए जगह आपको जो है कि रील्स यूज़ करना है, क्योंकि रील्स यूज़ करने से जो कि आपकी जो है कि रीच हो जाएगी, तभी इंक्रीज हो पाएगी, ठीक है। और यही रीज़न है रील्स का आने का ही मेन रीज़न है, जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट जो है कि रीच जो है कम कर दिया है पोस्ट और बाकी जो है कि आपका आईजीटीवी और स्टोरी पे, ठीक है ना। मतलब जो रील्स का इंजेंट बहुत ही ज़्यादा हाइयर है, मतलब समझो कि 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना, कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो यही जो है कि मुझे बताना था आपको जो है कि ऐसे मतलब यही रीज़न है, और ऐसे जो कि आप फिक्स कर सकते हैं रील्स को बना करके आप जो है कि अपनी रीच को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही जो है कि बताना था आपको इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ किसी भी टॉपिक पे सोशल मीडिया पे, तो आपको जो है वीडियो जो है कि पहुंच जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।